रात के 1 बज चुके हैं, चारों तरफ सुनसान है, चारों तरफ अंधेरा है और इस जंगलों के बीच में स्थित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के गेट के सामने लगभग 100 छात्र अनशन कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर क्यों और कैसे, आखिर ये क्या माजरा है। चारों तरफ पुलिस दिख रहे हैं इस अंधेरी रात में, जो भविष्य के इंजीनियर और मैनेजर हैं वो यहाँ पर बैठे और भूख हड़ताल करने पर मजबूर है। आखिर ऐसी क्या वजह बन गई, आखिर ऐसी क्या कारण थे कि इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्र आज भूख हड़ताल करने को मजबूर है। आइए जानकारी लेते हैं छात्रों से, क्या वजह है कि आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपने घरों में सोने की बजाय आप यहाँ पर सड़कों पर सोए पड़े हैं। हमारी मेन वजह है कि हमारे जो 90% क्रेडिट है उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मेन, तो और मेन 11 ऑर्डिनेंस के अंदर जो 90 और 50 के लिए जो दिया गया है उसके लिए बैठे हुए हैं। मेन ईयर बैक रूल जो आया हुआ है उसके लिए, और यहाँ पे 90% पूरा बताएंगे। जैसे हम क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताएं तो पूरा ऐसे होगा कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमारा जो है, फर्स्ट ईयर से हमें सेकंड ईयर में जाने के लिए 50% क्रेडिट चाहिए होते हैं, और सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए 50 चाहिए, और एंड साथ में प्रीवियस ईयर के हमें 90% क्रेडिट क्लियर करने होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है जैसे हमारे एक सेमेस्टर के अंदर 6 पेपर होते हैं, 6 में से हमें कम से कम 4 पेपर 3 पेपर क्लियर करके ही पास करने हैं 50% के हिसाब से। तो हमारे जितने भी क्रेडिट थोड़ा इधर, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने जो नियम लगाए हैं वो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। IIT जैसे संस्थानों में भी 75% तक पेपर क्लियर करने पर आप फाइनल ईयर में जा सकते हैं, लेकिन इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने जो अपने नए नियम लाए हैं उसके मुताबिक 90% आपको अपने कोर्सेज जो है कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको उसके रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, तब जाकर आप फाइनल ईयर में जा पाएंगे। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी, आखिर कौन सा विद्यार्थी, ये तो पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का विश्वविद्यालय तो है नहीं, अगर है भी तो आखिर ऐसे नियम लागू करने की क्या वजह हो सकती है जो पूरे देश में कहीं लागू नहीं है। सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के बीच भी भेदभाव होता है। जो विश्वविद्यालय के अंगीभूत जो एफिलेटेड कॉलेज है उनमें जो उनका जो नियम है वो, और जो अन्य कॉलेज है उनके बीच में काफ़ी खाई है। कॉलेज के स्टूडेंट को 40% तक वेटेज दिया जाता है, जबकि बाहरी कॉलेजों को 25% तक वेटेज दिया जाता है। इसके कारण से आपसी मनमुटाव, और कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि हम ठगे से फिरे हैं। पूरे घटनाक्रम को अगर आप सही से देखा जाए तो लगता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को ठगने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, छात्रों को शोषित किया जा रहा है, और ये शोषण की जो प्रक्रिया है ये इतने बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े भवनों में कहीं ना कहीं दिखती है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो प्रदर्शन, जो रात में 1 बजे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये आंदोलन सफल हो पाएगा कि नहीं, आइए जानकारी लेते हैं सोच छात्रों से। आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी सर, क्या लगता है जो आंदोलन जो चला रहे हैं वो, उसकी सफलता को लेकर आप कितना उम्मीद रखते हैं कि ये कितना सफल हो पाएगा? सर हम यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, ये देखो हमारे सारे दोस्त यहाँ पे 3 दिन से भूखे हुए बैठे हुए हैं, अपनी जान को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी बस एक ही इरादा है, या तो मर के जाएंगे या 90% वापिस हटवा के जाएंगे। ये हमारे दोस्त भूख हड़ताल में बैठे हुए 3 दिन से, चिल्ला चिल्ला के हमारे गले बैठे हुए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से छात्र यहाँ हड़ताल, जो अपने जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। घरों में, दिल्ली जैसे शहरों में ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले छात्र आज मच्छर कटवा कटवा कर इस पूरी रात को काट रहे हैं। इसलिए काट नहीं रहे हैं क्योंकि ये पिकनिक मनाने के लिए वो नहीं आए, बल्कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं, अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। और छात्रों के जोश को देखकर लगता है कि उनका जो कमिटमेंट है अपने आंदोलन के प्रति, कहीं ना कहीं आंदोलन सफल होगा और IP यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ेगा, क्रेडिट सिस्टम को समाप्त करना पड़ेगा, भेदभाव की नीति वापस लेनी पड़ेगी, और ये जो पूरा ठगने का और शोषण करने का जो नियम जो चला रखे हैं, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। छात्र जो है वो पूरी तरह से कमिटेड है अपने आंदोलन को लेकर, और छात्र चाहते हैं कि हमारी समस्याएं सुनी जाए, जल्द से जल्द सुनी जाए। अगर नहीं सुनी गई
तो आईपी विश्वविद्यालय एक बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा और ये धरती अभी जो 100 छात्रों का आंदोलन है वो पूरे देश का आंदोलन बनेगा। और कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा के व्यापारीकरण और पूरे बाजारीकरण के कारण जो छात्रों को शोषणकारी जो नीतियां चल रही है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक माहौल तैयार होगा और एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। कहीं ना कहीं उसकी पटकथा इस समिति इस आईपी विश्वविद्यालय के प्रांगण में लिखी जा रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप लेगा आंदोलन और कहीं ना कहीं छात्रों की मांगे मानी जाएगी, विश्वविद्यालय को झुकना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चल रहा यह आंदोलन आने वाले दिनों में छात्रों को न्याय दिलाएगा और इस अंधेरे रात में आने वाली पीढ़ी को फिर से रात नहीं गुजारनी पड़ेगी, फिर से मच्छर नहीं कटवाने पड़ेंगे, फिर से इस तरह से कष्ट झेलकर और बैक जो झेलने का जो नतीजा जो भुगतना पड़ता है, जो साल भर बैठना पड़ता है, वो न भुगतना पड़े, इसलिए जो आंदोलन चल रहा है वो सफल होगा। आशा करते हैं कि इनकी मांग जल्द पूरी होगी और इनका आंदोलन जल्द सफल होगा। कैमरामैन बंद करो।